जो आप देख रहे हैं एक बहुत ही यूनिक एंगल से देख रहे हैं मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना स्पेन में। ये है टॉप व्यू, एक छोटी सा एरिया है, मतलब देखने में बहुत बड़ा है बट इन टर्म्स ऑफ द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस एक बहुत छोटा सा एरिया है, शायद 1/4 ऑफ अ हॉल है। ऐसे 8-9 हॉल हैं, यानी कि ऐसे 36 से लेके 40 ऐसे एरियाज हैं जिनको पूरा का पूरा हमने कवर करना है आपके लिए। और हु इज़ द लकी वन हु हैज़ टू कवर इट ऑल? मी। ये है सेल गुरु का स्पेशल कवरेज फॉर द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस इन बार्सिलोना स्पेन शो 2। और जैसे मैंने आपको कहा था शो 1 में वी आर जस्ट गेटिंग वार्म्ड अप। मैं आपको बता रहा हूँ नोकिया ने बहुत सारे फोन्स रिलीज किए हैं। हाँ हाँ, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में मतलब लार्जेस्ट नंबर ऑफ फोन्स नोकिया ने रिलीज किए हैं। आपको आवाज़ क्यों नहीं आ रही यार, क्या हो गया? मैं आपसे हाँ हाँ नोकिया के नए फोन से मैं फ़ोन पर बात कर रहा हूँ आपको। अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही सर, मैं शायद गलत केले से बात कर रहा हूँ, एक मिनट होल्ड करिए। हाँ, हाउ इज़ द वॉइस नाउ? हाँ, सी आई वॉज यूजिंग द रॉन्ग बनाना। Yes, Nokia has launched the 8110, which looks just like a banana. Beautiful yellow. Then they have the new Nokia 1, the 7 Plus, the 6, the 8 Sirocco, which I love with the 3D screen. So I'll tell you what, this phone has the capability where you can hear me and I can also show you all the new releases. Let's take a look. Nokia ne Mobile World Congress mein 5 naye phone launch kiye hain. Ye khayal rakhte hue ki har phone ka target buyer alag hai. हम शुरुआत करेंगे उस फोन से जिस पर सबकी नजर थी, बनाना फोन। मैट्रिक्स स्टाइल फोन की याद दिलाता नोकिया 8110 तेजी से वायरल हुआ है। फोन पुराना है, बस नोकिया ने उसमें नएपन का तड़का लगाया है। नया नोकिया 8110 4G से लैस है और चटक पीले रंग में आया है। ये पुराने फोन से पतला है और इसकी स्क्रीन बड़ी और रंगीन है। स्क्रीन पर एक स्लाइडर है जिसे नीचे स्लाइड करने पर फोन का कीपैड दिखता है। फोन की बैटरी 25 दिन चलेगी और इसमें फेसबुक समेत कई ऐप पहले से ही हैं। दूसरा फोन है नोकिया 1। ये नोकिया का सस्ता फोन है। ये गूगल्स गो एडिशन के एंड्रॉयड ओरियो पर काम करता है, जिसे 1GB रैम वाले एंट्री लेवल फोन्स के लिए डिजाइन किया गया है। गो एडिशन के लिए बनी ऐप छोटी होती है और कम स्टोरेज स्पेस इस्तेमाल करती है। ये स्मार्टफोन मीडियाटेक क्वाड कोर प्रोसेसर पर काम करता है और 8GB की स्टोरेज है। इसका रियर कैमरा 5 MP के फिक्स्ड फोकस और LED फ्लैश से लैस है और फ्रंट कैमरा 2 MP का है। नोकिया 1 की कीमत $85 यानी 6,000 से 7,000 रुपए के आसपास है। पिछले साल नोकिया 6 लेकर आया था, जिसका एक नया वर्जन अभी आया है। नए फोन की आकर्षक एल्युमिनियम बॉडी है, 5.5 की IPS LCD स्क्रीन है और 16 MP का रियर कैमरा। फोन की खास बात यह है कि नोकिया बॉडी इफेक्ट को भी मैनेज कर सकता है, यानी एक ही साथ फ्रंट और रियर कैमरा से तस्वीरें ली जा सकती हैं और दोनों तस्वीरों को मिलाकर एक तस्वीर बन सकती है। इस फोन में भी एंड्रॉयड गो है। नोकिया 7 प्लस एक ऑलराउंडर फोन है। नए लॉन्च हुए फोन्स में ये सबसे अच्छे दिखने वाले फोन है। इसका डिस्प्ले 6 इंच का है। कैमरा के अलावा इसमें स्नैपड्रैगन 660D है, 4GB की रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज भी है। नोकिया 6 की तरह इसकी भी एल्युमिनियम बॉडी है और एंड्रॉयड गो पर काम करता है। अगला फोन है नोकिया 8 सिरोको। ये बना है स्टेनलेस स्टील से। ये पिछले साल आए नोकिया 8 का अपग्रेडेड मॉडल है। फोन का 5.5 इंच का क्वाड HD डिस्प्ले है। गोरिल्ला ग्लास 5 फ्रंट और बैक है। वायरलेस चार्जिंग और एडवांस स्टूडियो है। फोन में स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर है, 6GB का रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज है। फ्रंट और बैक कैमरा है। फोन लेटेस्ट एंड्रॉयड 8 ओरियो पर काम करता है। हम सेल गुरु में जल्द ही इस फोन का रिव्यू करेंगे। तो आप देख रहे हैं बर्फ के ऊपर फोन रखे हुए हैं। एक्चुअली बर्फ नहीं है, लग रहा है जैसे बर्फ और पानी है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंगली सोनी ने यहाँ पे अपने बूथ में उनके दो जो नए फोन्स हैं उनको डिस्प्ले किया है। ये है सोनी का टिपिकल प्लेटफॉर्म होता है यहाँ पे MWC मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में। 2 या 3 फोन जरूर रिलीज करते हैं एक्सपीरिया सीरीज में। इनका एक्सपीरिया XZ2 और एक्सपीरिया XZ2 कॉम्पैक्ट दोनों फोन्स यहाँ पे रिलीज हुए हैं। एज ऑलवेज सोनी के प्रोडक्ट जो हैं बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन, इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, बट जो ऑप्टिक्स हैं यानी कि स्टिल
और वीडियो परफॉर्मेंस, दैट इज वेयर दे रियली शाइन। अब क्या प्राइस पॉइंट में लाएंगे इंडिया में, ठीक से मार्केट करेंगे कि नहीं, दैट आई थिंक वी विल लीव टू सोनी। राइट नाउ इन दोनों फोन्स का रिव्यू दिखाऊंगा, लेकिन जब वापस आएंगे आई विल शो यू समथिंग व्हिच आई बिलीव इज अ गेम चेंजर। टेक की दुनिया में स्मार्टफोन को लेकर सोनी अपनी जगह बनाने की कोशिश करता रहा है। इस बार सोनी ने अपने दो नए मॉडल XZ2 और XZ2 कॉम्पैक्ट निकाले हैं। दोनों ही फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर है। XZ2 में कर्व्ड गोरिल्ला ग्लास 5 है, जो आपकी हथेली के लिए एक सुविधाजनक अनुभव होगा। 5.7 इंच की स्क्रीन के साथ इस फोन में 4GB रैम और microSD कार्ड स्लॉट के साथ 64GB का स्टोरेज है। इसका डिस्प्ले लेंथ और हाइट में 18:9 एस्पेक्ट और 5.7 इंच की स्क्रीन के साथ है। सोनी ने आखिरकार XZ2 में हेडफोन जैक को हटा दिया है। सोनी ने अपने इस फोन में एक यूनिक फीचर पर ज्यादा ध्यान दिया है, जो है रंबल फीचर। ये नया वाइब्रेशन सिस्टम आपके फोन में मूवीज, ट्रेलर्स, म्यूजिक और आपके गेम्स को एकदम रंबल बना देगा। आप महसूस करेंगे कि कैमरे को सोच समझ कर फोन के सेंटर में रखा गया है। इसका 19MP का रियर कैमरा आई सेंसर से लैस है और HDR वीडियोस को 4K रेजोल्यूशन में शूट करता है। ये सुपर स्लो मोशन को भी HD में शूट कर सकता है और HD कैमरा के नीचे इसमें नया फिंगरप्रिंट रीडर भी है। हालांकि सोनी अभी तक ड्यूअल कैमरा फीचर को खुद से नहीं जोड़ सका है। इन्हें इस बसंत में यहां पहुंचाना है, जिनकी कीमतों का ऐलान बाद में किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं बहुत ही स्मार्ट एयर पीसेज है मेरे पास यहाँ पे, लेकिन इनमें स्मार्टनेस जो है बहुत ही हाई लेवल की है। बहुत सारे नए फीचर्स हैं सोनी के नियर, ये नए हैं एक्सपीरिया एयर ड्यो, और इसमें इन्होंने बहुत सारे टाइप की स्मार्टनेस डाली है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एट द प्रेजेंट मोमेंट मैं म्यूजिक सुन रहा हूं, लेकिन मेरा जो एनवायरनमेंट है, जैसे मैं मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में हूं, हर चीज़ मुझे सुनाई दे रही है। मेरा म्यूजिक अनइंटरप्टेड है, ऐसे नहीं लग रहा कि अरे मेरा म्यूजिक सारा फेड आउट हो रहा है, लेकिन आई एम ऑल्सो अवेयर ऑफ माई एनवायरनमेंट। नंबर टू, ये बहुत स्मार्ट इस तरीके से भी हैं, जैसे कि मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ अभी एंड आई वांट टू गो टू द नेक्स्ट सॉन्ग, आई जस्ट चेंज टू द नेक्स्ट सॉन्ग, अब मैं चला गया हूँ प्रीवियस सॉन्ग में, उससे पहले सॉन्ग में, एंड इफ आई एम गेटिंग अ फोन कॉल और मुझे उनसे बात करनी है जो फोन कॉल कर रहे हैं, आई जस्ट नॉड एंड आई से हेलो एंड आई कैन स्टार्ट टॉकिंग, एंड इफ इट्स अ कॉल फ्रॉम समबडी आई डोंट लाइक, व्हाट डू आई डू, कॉल इज रिजेक्टेड। साथ में एक स्मार्ट असिस्टेंट भी है, इसमें डेली असिस्टेंट भी बिल्ट इन है, जो कि बेस्ड ऑन व्हाट आई एम डूइंग इट विल एक्चुअली हेल्प मी। सुबह सुबह न्यूज़ पढ़ देगा, वेदर बता देगा मुझे, ईमेल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रही हैं, आई विल हियर देम राइट हियर। तो ये है एक्सपीरिया का ईयर ड्यू, आई थिंक द नेक्स्ट बिग थिंग। इन फोन्स के अलावा एक और गैजेट है जिसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, और वो है सोनी का एक्सपीरिया ईयर ड्यू हेडसेट। इसमें शामिल डुअल लिसनिंग टेक्नोलॉजी के इस फीचर से आप अपने पसंदीदा गाने सुनते वक्त अपने कनेक्टेड स्मार्टफोन पर नोटिफिकेशन भी पा सकते हैं। डेली असिस्ट फीचर के लिए इसमें पावर एफिशिएंट CXD5602 चिप के साथ ही मल्टी सेंसर प्लेटफॉर्म की सुविधा भी है। ये फीचर समय, लोकेशन और आपकी दिनचर्या पर पूरी नजर रखता है, जैसे कि आपकी अगली मीटिंग कब है, कब आपको वहां पहुंचना है। इस तरह की जानकारी आपको रिमाइंडर के रूप में देने में मदद करता है, साथ ही दिन भर की खबरों से भी ये आपको रूबरू रखता है। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के शो पे हम लोग आते हैं और यहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें ऐसी होती हैं कि हम शूट करते रहते हैं अपने फोन पे पिक्चर्स और वीडियोस और बैटरी खत्म हो जाती है। अब नॉर्मली यू हैव टू गो एंड फाइंड अ रिचार्जिंग पॉइंट, लेकिन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस ने ऐसा काम किया यहाँ पे कि आपको काम करना पड़ेगा चार्ज करने के लिए भी। यहाँ पे आइए, अपना फोन यहाँ पे प्लग इन करिए और साइकिलिंग शुरू कर दीजिए। ये जितना चलेगा आपका फोन उतना ही चार्ज हो जाएगा। मेरा फोन ऑलमोस्ट डाइंग आउट, आई हैव टू रिचार्ज, सो आई हैव टू टेक अ ब्रेक। अब चलते हैं असूस की बूथ की ओर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे असूस का बूथ नहीं है। उन्होंने ये किया कि यहाँ पे उन्होंने किया एक लॉन्च ऑफ साइट मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस से। काफी इंटेलिजेंट डिसीजन है, कभी कभी आप यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते लेकिन पूरी वर्ल्ड मीडिया यहाँ आई हुई है, तो उनको ले जाइए, एक लॉन्च कर दीजिए एंड एवरीथिंग वर्क्स आउट वेल फॉर यू। लेकिन एक और इंटेलिजेंट चीज ये हुई है असूस से कि उन्होंने दिखाया हमारे को ZenFone 5
और वो निकला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फोन। लेकिन कहते हैं ना पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, तो जाते हैं फुल स्क्रीन ऑन द असूस ज़ेनफोन 5। आप सोच रहे होंगे ये ज़ेनफोन 5 थोड़ी है, मैं एप्पल आईफोन का आपका 10 का आपको पिक्चर क्यों दिखा रहा हूँ। जी नहीं, ये एक्चुअली है असूस का ज़ेनफोन 5, ऑब्वियसली इंस्पायर्ड बाय एप्पल। इंटरेस्टिंग डिसीजन है, अगर एंड्रॉयड में आपको ऐसा फोन चाहिए दैट लुक्स लाइक द आईफोन 10, देन यू ऑब्वियसली गेट दिस फोन एंड दे हैव अ मच चीपर वर्जन विद अ डिफरेंट प्रोसेसर व्हिच इज कमिंग टू इंडिया वेरी वेरी सून। आइए देखते हैं और क्या क्या किया असूस ने। असूस एक ऐसा फोन लाया है जिसे वो आईफोन एक्स का हूबहू क्लोन कह सकता है। देखने में असूस का नया ज़ेनफोन 5 एप्पल का डिजाइन की सस्ती नकल लगता है, लेकिन कंपनी के दावे पर जाएं तो इसका एआई काफी तगड़ा है। फोन की 6.2 इंच की बॉडी में 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशो है। फोन में एक सेंसर लगा है जो जब तक आप स्क्रीन को देखते हैं उसे चालू रखता है। इस फीचर को कंपनी एआई डिस्प्ले बता रही है। असूस के इस फोन में फेस अनलॉक भी है, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं जितना एप्पल का फेस आईडी है। वैसे फोन में बैकअप के तौर पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। ज़ेनफोन में स्नैपड्रैगन 636 लगा है और इसकी स्टोरेज 64 GB तक सीमित है। 4 GB या 6 GB रैम के साथ ये एंड्रॉइड 8 ओरियो पर चलता है। इसका डुअल कैमरा अच्छा है और उसके 12 MP इमेज सेंसर में पिक्सल साइज 1.4 micron का है। इसके अलावा 8 MP का वाइड एंगल कैमरा है जिसे पोर्ट्रेट मोड के डेप्थ डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एप्पल से कुछ अलग देखना चाहें तो ज़ेनफोन 5 में आपको हेडफोन जैक मिलेगा। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में ज़ेनफोन 5 के 2 और मॉडल ज़ेनफोन 5 लाइट और ज़ेनफोन 5Z भी लॉन्च हुए। उम्मीद है ये अप्रैल 2018 में लॉन्च होगा और इसके दाम 15,000 रुपए के आसपास होंगे। देखा ये फोन, बहुत ही कमाल का फोन है। गॉर्जियस लुकिंग फोन इन एवरी विच वे, बैक और फ्रंट। फिर आप अगर यहाँ पे पढ़ें तो उस पर लिखा है Porsche डिजाइन, यानी कि द टॉप डिजाइन कंपनीज इन द वर्ल्ड। कौन सा ब्रांड है ये? ये है हुआवी। ऑनर नहीं, उनकी पेरेंट कंपनी हुआवी। और कमाल की बात यह है कि ये ब्रांड इंडिया में नहीं सेल करता, विच इज वेरी वेरी सैड। हुआवी, आपको अपने फोन्स इंडिया में इमीडिएटली निकालने चाहिए, स्पेशली इफ यू हैव फोन्स दैट आर दिस गुड लुकिंग। Porsche डिजाइन का फोन मैं आपको दिखाऊंगा, एक और फोन दिखाऊंगा उनका मेट 10 प्रो और साथ में उनके दो नए टैबलेट्स जो रिलीज हुए हैं एट MWC। हुआवे ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में बड़े बड़े ऐलान किए, जिसमें एक ऐलान मेटबुक एक्स प्रो का भी था, लेकिन इन सारे प्रोडक्ट्स के साथ उनके शोरूम में Porsche का डिजाइन किया हुआ मेट 10 उसके बूथ पर रखा था। डायमंड बैक में उपलब्ध इस फोन में 6 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले है। ये 1.8 GHz ओक्टा कोर हुआवे हाई सिलिकॉन किरिन 970 प्रोसेसर पर चलता है और ये 4 GB रैम के साथ आता है। मीडिया पैड M5 और मीडिया पैड M5 प्रो इस साल जारी होने वाले टैबलेट्स हैं। M5 8.4 इंच में और M5 प्रो 10.8 इंच में मिलते हैं। एम पेन स्टाइलस जो एप्पल पेंसिल या सैमसंग के एस पेन की तरह है, वो खास नोट्स के लिए ही बना है। इन टैबलेट्स में हरमन कार्डन स्पीकर्स हैं जो 2 रंगों में मिलेगा। ये टैब्स 27,800 रुपए में मिलेंगे, जबकि मीडिया पैड M5 प्रो की कीमत 31,800 रुपए होगी। Alcatel एक ऐसी कंपनी है जो हर साल MWC में बहुत ही यूनिक फोन्स लॉन्च करती है। लास्ट टाइम उन्होंने एक फोन लॉन्च किया था जिसकी LED लाइट थी बैक केस पे, और इस बार लॉन्च किया है Alcatel 5। बहुत ही अच्छा डिजाइन है, गुड लुकिंग फोन है, बेजललेस स्क्रीन, H2H डिस्प्ले, साथ ही इसमें 3 कैमरा है, सिंगल लेंस कैमरा इन द बैक एंड डुअल लेंस फ्रंट कैमरा। इससे आप फेस आईडी है इसमें कि आप इस फोन को देखिए और ये अनलॉक हो जाता है। साथ ही साथ इसमें एक फीचर है जब ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है, अगर आप सेल्फी ले रहे हैं और बहुत ही बड़ा ग्रुप है तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है और वाइड एंगल मोड पे स्विच कर जाता है। आइए देखते हैं कि ये फीचर कैसे काम करता है। हो सकता है नया Alcatel 5 वो बजट फोन हो जिसकी आपको 2018 में तलाश है। फोन फैशनेबल है, 5.7 इंच के टच स्क्रीन डिस्प्ले और 720x1440 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। हालांकि इसमें बेजललेस चलन का पालन किया है, लेकिन इस फोन ने उसमें भी पेंच दिया है। बिल्कुल नीचे और किनारे तक स्क्रीन है, लेकिन ऊपर काफी जगह छूटी हुई है। आमतौर से चलन इसका एकदम उल्टा है। Alcatel 5 ऑक्टाकोर प्रोसेसर पर चलता है और इसमें 3 GB रैम है। फोन में 32 GB की स्टोरेज है जिसे माइक्रो SD कार्ड के जरिए बढ़ाकर 128 GB किया जा सकता है। Alcatel 5 में Android 7 है और 3000 mAh की बैटरी लगी है।
पीछे 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन फोन का हीरो है सामने का कैमरा। सामने दो कैमरे हैं, ये दोनों बेहतर रेजोल्यूशन के हैं, 13 और 16 मेगापिक्सल के। फोन से वाइड एंगल सेल्फीज भी ली जा सकती हैं। इस बजट फोन में महंगे फोन्स की तरह फेस की भी है। जैसे ही ये फोन भारत आता है हम इसका जायजा लेंगे। आई थिंक मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, बिकॉज दोनों टैग लाइन्स मेरे पीछे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग, सी यू नेक्स्ट ईयर। तो मैं भी यही कहूंगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग द शो MWC। इतना कमाल का शो है, इतनी सारी चीजें फ्यूचर के बारे यहाँ पे पता चल जाती हैं इमीडिएटली। आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक इवेंट, सो थैंक यू MWC एंड टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई सी यू नेक्स्ट ईयर MWC 2019। दिस इज राजीव माकनी सेइंग गुड बाय।